जैन फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक डिफेंस की न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हेडक्वार्टर 101 एरिया शिलोंग में आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें दो ट्रेड पर आपकी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर में OBC की दो, SC की एक, ESM की एक वैकेंसी रहने वाली है। मेट्रिकुलेशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टेनो ग्रेड की एक OBC की वैकेंसी, जिसमें 12th पास, और यदि आपके पास स्टेनो का ज्ञान है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपको एज रहने वाली है अदर के लिए, तथा OBC के लिए आपके 18 से 27 साल रहेगी, और SC ST के लिए आपको 18 से 30 साल रहने वाली है। लिफाफे पर ऊपर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर एंड स्टेनो ग्रेड, जो भी कैटेगरी से आप भर रहे हैं उस फॉर्म, उस ट्रेड से और कैटेगरी से, दोनों ऊपर लिखनी है और आपको भेजना है। आप एड्रेस देख सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको PDF भी मिल जाएगा फॉर्म का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको फादर्स नेम भी आपको कॉरपोरेट एड्रेस में डालना है, कि यदि आपको दोबारा वापस भेजा जाए तो उसमें कम से कम आपका लिफाफा वापस आपके घर पर पहुँच सके। आप इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं, जिसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और दो फोटोग्राफ जो कि 1 सितंबर 2000 से पुरानी, 21 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक आपको फॉर्म पे चिपकानी है, एक साथ में आपको भेजनी है, और एक लिफाफा आपको जिसपे आपके 47 रुपये की डाक टिकट आपको चिपका के साथ में डालना होगा। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें आपकी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होगी, जिसमें आपको कट ऑफ के मार्क्स 10th के हिसाब पर और 12th के आधार पर आपका कट ऑफ मार्क्स रखा जाएगा, उसी आधार पर आपके कोलेटर आएंगे। उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल रहेगा। आपको एग्ज़ाम के लिए TA DA नहीं मिलेगा, और आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका कोई भी एप्लीकेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है विदाउट रीज़न। इसके बाद में आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसको आप सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो करना होगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी होगी जो कि 1 सितंबर 2021 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फुल नेम आ जाएगा, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन द पोस्ट और नाम आ जाएगा पोस्ट का, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आपकी 30 अप्रैल तक कितनी हो रही है वो आ जाएगी, कैटेगरी आप कौन सी ST और SC या OBC से बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा आपका, एड्रेस आ जाएगा जो भी कॉम्बिनेशन एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, आपके जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको एजुकेशन मार्क्स या ओबीडेंट मार्क्स, यूनिवर्सिटी का नाम आप कंप्लीट इसमें आप फिल कर देंगे, एक्सपीरियंस है तो आप ये एक्सपीरियंस आपका डाल देंगे, यदि यस या नो कर देंगे। इसमें कैंडिडेट के नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, आप साइड में आपको डेट भी लिखना ही आए उसमें, डेट का डाल के उसमें डेट डाल देनी है। यदि कोई क्यूरी है आपके, कोई समझ में नहीं आता है तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डिफेंस से संबंधित ऑल स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।